पेट्रोल भराने पहुंचे युवक से खुले पैसे होने के चलते पेट्रोल पंप कर्मचारी ने युवक की गाड़ी को किया जब्त। बताया जा रहा है कि युवक पिंकू जो कि रिलायबल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने पहुंचा था, युवक के द्वारा खुले पैसे पेट्रोल पंप कर्मचारी को देने के चलते उन दोनों में विवाद हो गया, क्योंकि पेट्रोल पंप कर्मचारी खुले पैसे लेने से मना करता रहा। वहीं पिंकू ने यह भी कहा कि वह एटीएम या फिर पेटीएम की मदद से ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता है, जिस पर कर्मचारी नहीं माना और बाद में खुले पैसे भी नहीं ले रहा था। युवक की असमर्थता जताने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उसकी गाड़ी को छीन लिया और कहा कि जब पैसे लेकर आओगे तो गाड़ी को ले जाना। आधे घंटे बाद जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तब जाके कर्मचारी ने थोड़ा नरमी बरती। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी कैमरे के सामने भी खुले पैसे लेने से मना कर रहा था। आपको बता दें कि अधिकतर पेट्रोल पंप पर यही स्थिति है, वहां पर खुले पैसे नहीं लिए जाते हैं, जबकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी भारतीय मुद्रा लेने को मना नहीं कर सकता। यदि कोई मुद्रा लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है। कितनी देर रखी उसकी गाड़ी? रख ली थी मैंने। टन्ने फटे होते हैं क्या? मैंने पेट्रोल डलवा लिया पहले तो। कितने का? 60 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया मैंने। उसको पैसे दिए, भाई साहब ये टन्ने नहीं दे रहा है, पता टन्ने नहीं दे रहा। तो आपने उनसे कुछ बोला कि? मैंने उनसे बोला भाई साहब हम अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, आपके अकाउंट नंबर बोल दो, आपका पेटीएम में कर दें। पेटीएम नहीं बोला उसने, अकाउंट में कर दें, अकाउंट भी नहीं बोला। फिर टन्ने दिए, गाड़ी रख ली हमारी। तो टन्ने क्यों नहीं ले रहे थे उनसे? पूछा तुमने बैंक में? कोई जो बोला हम टन्ने नहीं लेते। अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ। सर गाड़ी कितनी देर रखी रही है? गाड़ी रखने के लिए क्या बोला वो? गाड़ी ये बोली आप गाड़ी यहाँ पे रख दो, कोई आ जाए पैसे लेके तब आप गाड़ी ले जाना। भाई साहब ये टन्ने नहीं, पैसे नहीं है का टन्ने। कितनी देर रखी रही आपकी गाड़ी? घंटे रखी रही गाड़ी। आप कहाँ जा रहे थे? हम स्कूल जा रहे थे बच्चों को लेने। अच्छा, तो आप लेट भी हो गए? लेट हो गए, आधे घंटे लेट हो गए।